हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लाते हैं। आज की कहानी की बात करें तो ये कहानी रीमा जी की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रीमा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। यहाँ मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहती हूँ, जिसमें मेरी मम्मी हैं जो कि एक हाउसवाइफ हैं, और पापा एक MNC कंपनी में काम करते हैं, और एक छोटी बहन जो कॉलेज में पढ़ती है, और मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में डेकोरेशन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। ओकेजन या कोई भी पार्टी हो उसमें हम नए नए आइडिया से उस जगह को कैसे सजाएं, क्या चीज़ सजाने में यूज़ की जाए, यही मेरा काम होता है। और डेकोरेशन के सामान के लिए कभी कभी हम दिल्ली या उसके आसपास के मार्केटों में भी जाते हैं। इसी तरह एक बार हमें एक पार्टी की डेकोरेशन के लिए 4 मूर्तियां चाहिए थी, पर हमें 3 ही मिली। और पार्टी रात ही को होने की वजह से मैंने खुद अपने साथ काम करने वाली अपनी फ्रेंड को लेकर पास ही के एक मार्केट में चली गई, जिस मार्केट का नाम मंजारा मार्केट था। वहाँ चीज़ें अच्छे दामों में मिल जाया करती थी। हमने पार्टी के लिए एक मूर्ति ली और मैंने कुछ सामान घर के लिए भी ले लिया। बाज़ार से निकलते निकलते मेरी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी, बड़ी अजीब सी थी पर मुझे अच्छी लगी, तो मैंने वो पेंटिंग घर के लिए ख़रीद ली। मैंने उस पेंटिंग को अपने हॉल में लगा दिया और उस प्लेस पर वो पेंटिंग अच्छी भी लग रही थी, और पता नहीं जो भी उस पेंटिंग को देखता तो उससे अट्रैक्ट हो जाता था, जैसे पेंटिंग में कोई जादू हो जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही हो, जो मुझे अच्छा भी लग रहा था। कुछ दिनों गुजरे, हमारी लाइफ नॉर्मल थी, जैसी थी वैसी ही चल रही थी। फिर वो रात आई जिसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। उस रात मुझे बहुत ही डरावना सपना आया। ऐसा नहीं था कि आज से पहले मुझे कभी बुरे सपने नहीं आए, पर यह सपना कुछ अलग था, बिल्कुल सच जैसा लग रहा था। सपने में मैंने देखा जैसे कि उस पेंटिंग से कोई चीज़ निकली और मेरे बिस्तर के कोने पर आकर बैठकर मुझे देखकर डरावनी सी हंसी हंस रही हो, जिसे देख मेरी नींद खुली। तो मैंने देखा कि मेरे रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, पर मुझे लगा शायद मैंने ही खुला छोड़ दिया हो, या मेरे मम्मी पापा किसी काम से मेरे रूम में आए हों। ये सोचते हुए मैं फिर से सो गई। अब हर दिन के साथ सपने बढ़ने लगे और ज़्यादा डरावने और ज़्यादा सच जैसे दिखने लगे। मैंने ये किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि ये बस काम ज़्यादा होने की टेंशन की वजह से मेरे साथ हो रहा है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि ऐसा ही कुछ मेरे परिवार के और लोगों के साथ भी हो रहा है। मेरी मम्मी जब घर में अकेली होती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई देख रहा हो, भी बिल्कुल पास से, वो उनका पीछा हर जगह कर रहा हो। एक दिन तो हद तब हो गई जब मेरी मम्मी से किचन में आटा गिर गया, तो उन्होंने देखा कि हवा में वो आटा किसी की शेप लिए हुए है, जो कि लगभग 10 फीट का होगा। मेरी मम्मी डर कर किचन से भागकर घर से बाहर चली गई और फ़ोन करके पापा को बुलाया। पापा के आने के बाद माँ ने सब कुछ पापा को बताया। पापा बोले, हाँ आजकल मेरे साथ भी कुछ अजीब हो रहा है। जब भी मैं अपनी गाड़ी में ऑफिस को जाता हूँ तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा हो। एक दिन तो मैंने किसी को अपने पीछे देखने वाले मिरर पर देखा, पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल जब मैं आगे को मुड़ा तो मुझे लगा जैसे गियर हैंडल पे किसी का हाथ पहले से ही है, जो कि बहुत ठंडा है। मैंने फटाक से गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकला, थोड़ा पानी पिया। रिलैक्स होने के बाद फिर से गाड़ी में बैठकर मैं ऑफिस पहुंचा। यही सब बात उस रात पापा ने हम दोनों को भी बताई। मैंने भी अपने सपनों के बारे में सब कुछ बताया तो मेरी बहन बोली, उसके साथ भी कुछ अजीब सा हो रहा है। वो जब भी अपना काम करने के लिए लैपटॉप निकालती है तो उसे लैपटॉप पर एक डरावना चेहरा दिखता है और उसके पीछे खड़ा होता है, और
पीछे देखने पर वहाँ कोई नहीं होता तो तब हो गई जब एक दिन मेरी बहन अपने किसी फ्रेंड से वीडियो पर चैट कर रही थी। तब उसके फ्रेंड ने भी वो डरावना चेहरा उसके पीछे देखा। अब हम सब ने डिसाइड किया कि पहले तो हम ये पता करना होगा कि ये नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आई कैसे और फिर इसे हम किस तरीके से निकालें। इतना सोचकर और थोड़ी देर तक बातें करने के बाद हम लोग अपने अपने कमरों में चले गए। पर हमें ये नहीं पता था कि वो जो भी था उसने भी सब सुन लिया और उसने उस रात को हमारी ज़िंदगी की सबसे डरावनी और लंबी रात बना दिया। जैसे ही हम अपने कमरों में गए तो मैंने देखा कि हमारा पूरा घर एक खंडर में बदल गया और पूरे घर से अजीब आवाज़ें आने लगी, हंसने रोने चिल्लाने की एक साथ। तभी इसी बीच मैंने अपनी माँ और बहन की चीखने की आवाज़ सुनी। मैं भागती हुई उन दोनों के कमरे की तरफ गई तो मैंने उनको हॉल में एक कोने पर छुप कर बैठे हुए देखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बोला कि एक अजीब सी औरत घर में घूम रही है और पापा घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। फिर मैं अपनी मम्मी और बहन को मंदिर वाले रूम में छोड़कर जैसे ही पीछे मुड़ी तो मेरे सामने मेरे पापा खड़े थे। मेरी डर से चीख निकल गई। पापा बोले, वो औरत जो भी है वो हमें इस घर से बाहर नहीं जाने देना चाहती। मैंने सारे घर के दरवाजे खिड़की चेक कर लिए हों, सब ऐसे बंद पड़े हैं जैसे सदियों से ही नहीं खुले हैं। फिर क्या हम सब ने मंदिर के रूम में रात गुजारने की सोची और वहीं एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। वो चुड़ैल हमें डराकर मंदिर से बाहर निकालने के लिए अलग अलग पैदा करने लगी। हम एक दूसरे को रोक रहे थे। उनसे देखने पर पता चला कि वो चुड़ैल उस पेंटिंग की बनी हुई औरत ही है। हम सब रात खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे पर ये रात थी कि इतनी लंबी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हम घड़ी पर नज़र टिकाए बैठे थे। जैसे ही सुबह के 6 बजे तो हमने घर में देखा लेकिन घर अभी भी जैसे 3 बजे के अंधेरे में ही गुम हो रखा हो। मैंने तभी इधर उधर देखना शुरू किया। एक भगवान जी की फ़ोटो के पीछे एक छोटी सी खिड़की थी। बाहर देखने पर पता चला कि बाहर सुबह हो चुकी है और चारों तरफ उजाला भी हो रहा है। तभी मैंने वहाँ अपने पड़ोस की एक आंटी को जाते देखा। मैंने उनसे दरवाज़ा खोलने को बोला और कहा, शायद दरवाज़ा बाहर से किसी ने बंद कर दिया है या तो हमारा दरवाज़ा अटक गया है। आंटी ने कहा, ठीक है। और उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो हमारा घर फिर से नॉर्मल हो गया। हम सीधा घर से बाहर भागे और एक पंडित जी के पास गए और जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। उन पंडित जी ने हमें वहीं रुकने का बोलकर हमारे घर गए और उस पेंटिंग को उठा कर ले गए। अगले दिन उन्होंने बताया कि उस पेंटिंग को बनाने में एक बुरी औरत जो कि जादू टोना और बलि देती थी ताकि वो लंबे समय तक जिंदा रह सके, उसका खून यूज़ किया गया है। मैंने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उन पंडित जी ने कहा कि वो मरने के बाद भी इस संसार में दोबारा किसी और के शरीर में आकर रहना चाहती थी। अब मुझे समझ आया कि वो हर रात क्यों मेरे बेड के कोने पर बैठकर मुझे देखकर हंसती थी। और पंडित जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने उस मूर्ति को अघोरियों को दे दिया है, अब वो सब कुछ संभाल लेंगे और उस बुरी आत्मा को वहीं भेज देंगे जहां उसे होना चाहिए। तब से लेकर आज तक मैंने किसी भी ऐसी पुरानी पेंटिंग या मूर्ति को ख़रीदने से पहले 1000 बार उसके बारे में पता करती हूँ और उसके बाद ही कोई चीज़ खरीदती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली कहानी नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें और कहानी सुनें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू।